हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अनिल यादव एंड यू आर वॉचिंग ट्रिगर एकेडमी। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं। और थर्ड थिंग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडक्टर। किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की या किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है? तो मैंने कहा जैसे एक कंडक्टर है तो इसके चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी को या एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखिए आपका क्या है, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो कंडक्टर है, मैंने कहा लेट्स सपोज ये कंडक्टर है, इसके चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। एंड देन मैंने कहा एक कंडक्टर बना देते हैं, ये आपका क्या है कंडक्टर। अब क्या कर रहा है, इस पर हम चार्ज होल्ड कर रहा है। मैंने कहा इस पर हमने क्यू चार्ज किया। किसी भी कंडक्टर पर अगर हम चार्ज करते हैं, चार्ज इंक्रीज करते हैं, उसका पोटेंशियल भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब क्या हुआ, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। एंड देन अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमें कॉन्स्टेंट एड करना पड़ेगा। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू वी। C क्या होता है आपका कॉन्स्टेंट, C दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर या दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड ऑफ कंडक्टर। ओके, तो यहां से सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, क्यू डिवाइडेड बाई वी। ये आपका कैपेसिटेंस आ गया, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग हर लेक्चर में करते हैं, इसकी यूनिट एंड डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिट क्या होती है, तो SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है फैरड। लेकिन क्या होता है, अभी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर में, कि वन फैरड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। देन हमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी, मिली फेरेड मिल जाएगी, माइक्रो फेरेड मिल जाएगी, नैनो फेरेड मिल जाएगी, पीको फेरेड मिल जाएगी, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वन मिली फेरेड इक्वल टू क्या होता है, 10^-3 फेरेड। वन माइक्रो फेरेड इक्वल टू क्या होता है, 10^-6 फेरेड। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, 1 नैनो फैरड इक्वल टू होता है 10^-9 फैरड। एंड देन 1 पीको फैरड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 10^-12 फैरड। ये होती वैल्यू, आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। अगर आप एमकेएफ सिस्टम में इसकी यूनिट कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज लिखा है, तो यहां से आप क्या बता सकते हैं, सी इज इक्वल टू चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलोम होता है, कूलोम डिवाइडेड बाई वोल्ट, या आप बोल सकते हो कूलोंग पर वोल्ट, कूलोंग पर वोल्ट। ये हो गया कैपेसिटेंस का एक यूनिट, और हो गया एमकेएफ सिस्टम में। आप फैरड और कूलोंग पर वोल्ट का रिलेशन बता सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलोंग वोल्ट, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके डायमेंशन कैलकुलेट करना है। देखिए डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही इजीस्ट वे, जस्ट थोड़ा सा इसको रफ करने वाले हैं। देखिए
इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं सिंपली. सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी. चार्ज का यूनिट क्या होता है या चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80. एंड पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1. ये होता है वोल्टेज का. अगर आपको वोल्टेज का नहीं पता है, सर पोटेंशियल का नहीं पता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो. वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज होता है. तो वर्क डन का आपको पता होता है, सिंपली बेसिक होता है. ठीक है, यहां पर कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम की पावर माइनस 1, देखो प्लस 1 नीचे ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा. एल की पावर माइनस 2, टी की पावर माइनस 3 है, 1 है, एड हो जाएगा, टी की पावर 4 आ जाएगा. एंड ए की पावर माइनस 1 है, यहां पर प्लस 1 दिया तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ये आपका डायमेंशन आ गया कैपेसिटेंस का. देखिए क्या होता है, आपकी बार टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये डायमेंशन एंड यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हर एक फॉर्मूले में आपको डायमेंशन बताया जाता है. तो क्या होता है कि जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं वहां पर बहुत ही इजीएस्ट वे में आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं. तो आई होप यहां तक आपको सारा क्लियर हो रहा होगा. तो सेकंड थिंग इज होम वर्क है. चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पर कैपेसिटेंस आपकी डिपेंड करती है. पहला क्या है? साइज एंड शेप ऑफ अ कंडक्टर. जिस कंडक्टर पर आप चार्ज होल्ड करा रहे हो उसके साइज और शेप पर भी डिपेंड करेगी उसकी कैपेसिटेंस. सेकंड है नेचर या परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, कि आपका कंडक्टर कहां पर रखा गया है. जैसे मैंने कहा लेट्स सपोज ये कंडक्टर है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, चार्ज होल्ड करा रहे हैं, तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी फर्स्ट ऑफ ऑल इसके शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगी. सेकंड थिंग इसके आसपास के सराउंडिंग मीडियम में क्या रखा है उस पर डिपेंड करेगी. एंड थर्ड प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट नेवरहुड. इसके आसपास में कोई दूसरा कंडक्टर तो रखा है उस पर भी डिपेंड करेगी उसकी कैपेसिटेंस. मैंने कहा लेट्स सपोज कंडक्टर ये भी रखा है तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी या मतलब डिपेंड करेगी आप बोल सकते हैं. ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियरली हुई होंगी. तो थर्ड थिंग आपका क्या है, तो थर्ड थिंग आपका क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है या आप यहां कैपेसिटर बोल सकते हो और लिख के अभी आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कैपेसिटर क्या होता है. देखिए क्या होता है कि भाई आप सबसे पहले अपने को लेना है स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर. मैंने कहा बना लेते हैं. ये आपका क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस क्या है, मैंने ले रखा है कैपिटल आर. आप क्या करेंगे, इस पर हम चार्ज होल्ड कराएंगे. मैंने कहा ठीक है इस पर चार्ज देते हैं, मैंने इस पर स्मॉल क्यू चार्ज दे दिया है. और आप मुझे बताइए जो किसी भी कंडक्टर पर अगर हम चार्ज देते हैं तो क्या होता है, आपको जो चार्ज होता है कंडक्टर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो जब इस पर चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ हो जाएगा. तो पोटेंशियल of a charged sphere spherical conductor is V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q divided by capital R. ये क्या हो जाएगा, आपके spherical capacitor का या
इस कैपेसिटर का पोटेंशियल हो जाएगा, आप क्यों चार्ज दोगे तो। अभी आपने पढ़ा है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। अब क्या हो जाएगा यहां पर V का वैल्यू रख लो, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपको क्या मिल गया, C इज इक्वल टू, आप यहां लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर, आर ऊपर जाएगा तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आपका क्या आ गया, कैपेसिटर्स का वैल्यू आ गया C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आपका क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। आप यहाँ इस फॉर्मूले में देख पा रहे होंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और ये आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। जो स्फेरिकल कैपेसिटेंस है, सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करेगी, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर क्या कर सकते हैं, रेडियस बढ़ाएंगे किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की तो क्या हो जाएगा, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। मतलब क्या है, चार्ज वगैरह बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम कैलकुलेट करेंगे 1 फैरड, 1 फैरड मैंने आपको बताया था, 1 फैरड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो अब क्या करेंगे, 1 फैरड हमने कहा एक कंडक्टर लेते हैं, एक सर्कल कंडक्टर लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस क्या है, 1 फैरड है। अब उसको कैलकुलेट करेंगे उसका रेडियस कितना आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रफ करेंगे, देखिए मैंने कहा ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस क्या है, इसका जो कैपेसिटेंस ही है 1 फैरड है, 1 फैरड वैल्यू है। अभी आपने पढ़ा है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आपको रेडियस निकालना, कैपेसिटेंस दिया गया है, तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इस तरीके से लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर, ठीक है। कैपेसिटेंस आपको दिया गया है 1 फैरड, और आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है 1 है, तो रेडियस क्या आ गया आपका 9 × 10⁹ मीटर, ये आपका रेडियस आ गया। आप मुझे बताइए ये जो रेडियस है क्या छोटा मोटा रेडियस है, बहुत बड़ा रेडियस है, ठीक है। ये लगभग अर्थ के रेडियस का 1500 टाइम्स लार्जर है, मतलब अर्थ के रेडियस से 1500 गुना बड़ा है। मतलब क्या है, अगर आप 1 फैरड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाना चाहते हैं तो आपको रेडियस इतने रेडियस का स्फीयर लेना पड़ेगा, मतलब अर्थ से 1500 गुना बड़ा स्फीयर। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जो 1 फैरड है, 1 फैरड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटर, जो 1 फैरड है वो क्या है, बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटर से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 1 फैरड की कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर बना पाना इजी नहीं है, मतलब हम बना नहीं सकते क्योंकि 1500 टाइम्स लार्जर आएगा रेडियस, किसके रेडियस से, अर्थ के रेडियस से, तो इतना बड़ा आइसोलेटेड कैपेसिटर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में, तो आई होप यहां तक आपको चीजें सारी क्लियर हुई होंगी। जो भी डाउट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे।